नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको LIC को लेकर देने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आपके अंदर जो भी सस्पेंस LIC को लेकर के हूं वो सारे दूर हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आपने एक अफवाह सुना होगा कि LIC को 57,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जिसकी वजह से LIC दिवालिया होने जा रही है और बंद हो जाएगी, तो आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। किसी मैगजीन में ऐसा छप गया था, जिसकी वजह से ये अफवाह फैल गई। LIC ने इस पर केस भी कर दिया है, ऐसी अफवाह दोबारा नहीं आएंगी। तो ये एक महज अफवाह था, LIC को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपने LIC करा रखा है या LIC के कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कराइए, आपका पैसा सुरक्षित है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि LIC में आपका पैसा कैसे सुरक्षित है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 प्रोटेक्शन है LIC के, जिसकी वजह से आपका पैसा सुरक्षित होता है। उसके प्रोटेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है सोवरिन गारंटी, सॉल्वेंसी मार्जिन, री इंश्योरेंस। ये 3 चीजें हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन री इंश्योरेंस के लिए मैंने इमेज डाल रखे हैं वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हैं इस समय और देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन और री इंश्योरेंस के बारे में पढ़कर आप समझ जाएंगे। अब मैं सॉवरिन गारंटी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सॉवरिन गारंटी का मतलब होता है कि LIC का और भारत सरकार का एक दूसरे के साथ एक समझौता हो रखा है, जिसके तहत भारतीय जीवन बीमा अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज भारत सरकार को हर साल दान में देती है, जिसके बदले में भारत सरकार LIC को सॉवरिन गारंटी देती है कि अगर किसी कारण से LIC दिवालिया हो जाती है, घाटे में जाती है, तो उसके जो भी क्लाइंट है उनका पैसा भारत सरकार करेगी। यानी पूरी तरह से भारत सरकार ये गारंटी देती है LIC को कि अगर LIC घाटे में जाती है तो उसके जो भी क्लाइंट होंगे उसका पैसा भारत सरकार पेमेंट करेगी। यानी आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, भारत सरकार के हाथों में है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा मैं आपको बता दूं क्या रीजन हो सकता है। अभी आपने जो सुना था कि 57,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, ऐसा हुआ तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। इस समय एक इमेज आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, 35,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है LIC को 5 दिनों के अंदर। उसमें आप ध्यान से पढ़िए, आप देख सकते हैं, इमेज को रोक, वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं उसमें कौन से शेयर लिए गए थे, किस शेयर में प्रॉफिट हुआ LIC को, सारा कुछ लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, ये छपा था इन्फॉर्मेशन। 5 दिन के अंदर 35,000 करोड़ का प्रॉफिट LIC को हुआ। आप सोचिए, जिस कंपनी को 5 दिनों के अंदर 35,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, वो पूरे महीने में कितना प्रॉफिट करेगी, और एक महीने में कितना प्रॉफिट करेगी, फिर उसको कैलकुलेट करिए कि पूरे एक साल में कितना प्रॉफिट करेगी। जब LIC का प्रॉफिट रेशियो इतना ज्यादा है तो आपका पैसा कहां से डूब जाएगा? ऐसी कंपनी कोई भी नहीं आज तक आई LIC के सामने, इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो इसके सामने टिक पाए। प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं कि वो दिवालिया तो हो ही रही हैं, बहुत सारे कंपनियों के नाम आप सुने होंगे, जैसे सहारा हो गया, पल्स हो गया, ये आम पब्लिक का पैसा लेकर के जो है वो दिवालिया हुई कि नहीं हुई, लेकिन अपने आप को दिवालिया घोषित करके आपका पैसा खा गई, नुकसान हो गया, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियां बीच बीच में क्या करती हैं, अफवाह उड़ाती रहती हैं ताकि LIC को बदनाम कर सके। जबकि LIC जब से भारत देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ 1956, उसके बाद से LIC चल रही है, आज तक इसका जो कदम है वो सीधे ऊपर चलता चला जा रहा है, सफलता एकदम इसका मैप जो है बिल्कुल ऊपर है। तो इसमें किसी भी तरह से आपका पैसा नुकसान में नहीं जाने वाला है। और एक इमेज इस समय आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक सबूत के तौर पे है, एक प्रूफ है। आप LIC का जो प्रोफाइल है 2019 का वो देखिए, इमेज पे आप देख पा रहे होंगे इस समय इसका जो एसेट है LIC का 2019 प्रोफाइल का, वो क्या है, 31,11,847.28 करोड़। ये अमाउंट एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 31,11,847.28 करोड़ ये एसेट रहा है। आप इसके नीचे और भी चीजें हैं पढ़ सकते हैं, लाइफ फंड क्या है, प्रीमियम इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, मैं पूरा पढ़ूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को स्टॉप करके वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं। एक चीज उसमें से मैं आपको और बता दूं कि LIC का जो डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 98.27,
जो अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है LIC के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि इस रेशियो पे कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, जब पैसे लेने होते हैं आपसे तब तो वो डॉक्यूमेंटेशन इजी कर देती हैं और आपसे पैसे ले लेती हैं, लेकिन जब कोई बात, कोई हादसा हो जाता है और पैसे जब देने की बारी आती है तब वो प्राइवेट कंपनियां 100 तरह के नौटंकी करती हैं, 100 तरह की डॉक्यूमेंटेशन करती हैं आपसे, जिसकी वजह से जो भी पीड़ित परिवार होता है वो भी परेशान होता है। लेकिन LIC के साथ ऐसा नहीं है। LIC जब आपसे पैसे लेती है उस समय भी इजी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब पैसे देने होते हैं तब भी आपको डॉक्यूमेंट बता दिए जाते हैं, वो आप सबमिट करते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसी वजह से LIC का जो डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 98.27% है। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि LIC के साथ आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया है तो इसका मतलब आपने भारत सरकार को अपना पैसा दिया है और भारत सरकार के हाथ में आपका पैसा सुरक्षित है। ये इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ मैंने इसलिए आपको वीडियो के तौर पे बताया, चूंकि अफवाह उड़ी थी तो लोगों के अंदर सस्पेंस आ रहे थे कि हो सकता है LIC बंद हो जाए जैसे अदर कंपनी सहारा और पल्स बंद हुई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका पैसा सुरक्षित है, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए। आने वाले वीडियो में मैं और भी ढेर सारी जानकारी आपको देता रहूंगा और आप कमेंट करके भी जो जानकारी आप चाहते हैं वो कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा जानकारी दूं वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही फिलहाल, समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।